चलिए आगे बढ़ते हैं। राजधानी जयपुर में वर्ल्ड हियरिंग डे में जो कार्यक्रम चल रहा है, वहां पर रघु शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। बहुत ही शानदार प्रेजेंटेशन अभी डॉक्टर निर्मला जी ने दिया। राजस्थान में जिस ढंग से इसकी रोकथाम के लिए अवेयरनेस के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, उसके बारे में इनके प्रेजेंटेशन के बाद सारी चीजें आपकी जानकारी में आई होगी। ये 2014-15 में शुरू हुआ NPPCD, 12 जिलों से शुरू हुआ, फिर 6 जिले जुड़े, 3 जुड़े, फिर सारे जिलों में हुआ। हर एज ग्रुप में ये एक बड़ी समस्या है। पहले तो एजुकेशन ज़्यादा नहीं थी तो लोगों को अवेयरनेस भी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे अब हम प्रगति करते जा रहे हैं तो इन चीज़ों पे हमको फोकस करना भी है। अभी जैसा बताया गया कि न्यूबॉर्न बेबीज का 2178 का स्क्रीनिंग हुआ और उसमें 264 बच्चे ऐसे थे जिनको ये प्रॉब्लम थी, जिसका आइडेंटिफिकेशन उसके जन्म के साथ ही कर लिया गया, तो उसका ट्रीटमेंट भी पॉसिबल हुआ। और जिसका सुनने की क्षमता नहीं होती, उसकी बोलने की क्षमता भी प्रभावित होती है, दोनों कोरिलेटेड है चीज़ें। मैं गया था स्विट्जरलैंड, ये कोक्लियर इम्प्लांट की जो बात की है अभी, ये जहाँ बनता वहाँ देख के भी आया मैं। अभी जिस ढंग से कई हमारे क्षेत्र में जब पब्लिक लाइफ में तो देखते हैं मैं कि बच्चे जन्मजात अवेयरनेस नहीं होने की वजह से वो बोल नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं। ये कोक्लियर इम्प्लांट का जो काम हुआ है अभी, जैसा मुख्यमंत्री सहायता कोष से करीब 900 से ज़्यादा बच्चों को ये लगा है, तो उसके बाद उनकी स्पीच भी लौट के आई है कुछ दिनों बाद, और उनको सुनने भी लगा है। तो एक तरह से जो प्रयास हो रहे हैं वो तो अच्छे प्रयास ही हैं। अभी जैसा जिक्र किया, हम कैंप लगाते हैं, खुद भी लगाते हैं। कैंप में समाज कल्याण विभाग को और ये महावीर विकलांग समिति को शामिल करते हुए जितने भी इलाके में जो लोग ओल्ड एज के हैं, जो वक्त के साथ जिनको सुनाई कम देता है, उनको हियरिंग एड कैसे दी जाए, उसके लिए प्रोग्राम, और आते भी बहुत सारे लोग हैं। इसका मतलब ये है कि न्यूली बोर्न से लेके और वृद्धावस्था तक की हर एज ग्रुप में ये समस्या रहती है, और उस समस्या का निदान, क्योंकि आज वर्ल्ड हियरिंग डे है और आप सब लोग आए हैं यहाँ, तो वर्कशॉप में यही चीज़ें चर्चा का विषय होनी चाहिए। ये सरकार बनी जब से मुख्यमंत्री जी ने सबसे ज़्यादा फोकस हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे किया है। अभी भी जो बजट आया, बजट का अधिकांश हिस्सा आने वाले समय में राजस्थान में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे मजबूत हो, उसी पर फोकस किया गया। आपने देखा होगा कि इस सदी की सबसे बड़ी महामारी COVID-19, मार्च में हमारे यहाँ पहला केस आया, हमारे यहाँ कोई जांच की सुविधा नहीं थी। हमने स्वाब लिया, पूना भेजा, एक दिन बाद रिपोर्ट आई। उसी दिन हमारी सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने तय किया, हम टेस्टिंग फैसिलिटी भी अपनी डेवलप करेंगे, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत करेंगे। आज राजस्थान में 50 जगह पे हमारी टेस्टिंग फैसिलिटी हमने डेवलप की, वो भी RT-PCR टेस्ट, जो सबसे कंफर्मेटरी टेस्ट है, और 70,000 टेस्ट पर डे करने की कैपेसिटी राजस्थान ने डेवलप की है। हमने वेंटिलेटर्स के प्रिक्योरमेंट की, हमने ICU डेवलप किए, सेंट्रलाइज ऑक्सीजन सिस्टम किया, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड बनाए, ऑक्सीजन जनरेशन के प्लांट लगाए, लिक्विड ऑक्सीजन के प्लांट लगाए। अभी भी फोकस है कि राजस्थान में 200 विधानसभा क्षेत्रों में एक एक CSC, एक मॉडल CSC बने, जहां से लोगों को इलाज के लिए जाना नहीं पड़े। ये तो एक समस्या है बहरेपन की, और अभी हमने सबसे ज्यादा फोकस करना है IEC एक्टिविटी को, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और कम्युनिकेशन। ये एक ऐसी चीज है जिससे समस्या पैदा ही नहीं हो। अभी आपको ध्यान होगा, हमने निरोगी राजस्थान जब एक साल हमारी सरकार को हुआ, मुख्यमंत्री जी ने शुरू किया, 10 हमने
उसमें पॉइंट्स लिए कि हम इन पॉइंट्स पे राजस्थान में फोकस करेंगे। निरोगी राजस्थान का मतलब क्या है? लोग बीमार नहीं पड़े, इतनी अवेयरनेस हमारे यहाँ जागृत हो जाए। राजस्थान के जितने रेवेन्यू विलेजेस हैं उनमें एक हमारी बहन और एक हमारे भाई, उसको हमने स्वास्थ्य मित्र के लिए चयनित किया और शहरी क्षेत्रों में वार्डों में भी एक एक इसी प्रकार का चयन किया। लेकिन अचानक कोविड आया मार्च में, हमने दिसंबर 18 को ये प्रोग्राम लॉन्च किया था कि वृद्धावस्था में जो प्रॉब्लम आती है, हमारी माताओं और बहनों को, बच्चों को जो समस्याएं आती है, जो एडोलेसेंट एज ग्रुप के बच्चे हैं उनको क्या क्या समस्याएं आती है, उनको एड्रेस करने के लिए इस तरह से 10 पॉइंट हमने लिए थे निरोगी राजस्थान का। तो निरोगी राजस्थान का बेसिकली कंसेप्ट यही था कि आदमी बीमार नहीं पड़े, इतनी अवेयरनेस उसमें हो जाए, और अगर बीमार पड़ने के लक्षण कहीं नजर आते हैं तो उसको शुरुआती दौर में ही हम ट्रीटमेंट दे के ताकि उसकी बीमारी विकराल रूप नहीं ले और ये जो हम मृत्यु दर है उसको भी कम कर सकते हैं और राजस्थान में एक निरोगी राजस्थान का एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकते हैं। अभी भी इसमें, अभी जो हमने ये पोस्टर रिलीज किया इसमें क्या तीन चार बातें थी इसकी रोकथाम के, कि हम लोग खुद कहाँ कहाँ गलतियां करते हैं जिसकी वजह से हमारे को हियरिंग प्रॉब्लम होती है, ये संक्रमण हो जाता है, हम असावधानी बरतते हैं, टाइमली दिखाते नहीं हैं, जब वो ज़्यादा फ्लेरअप हो जाता है तब उसके बाद दिक्कत ज़्यादा बढ़ती है। तो अगर कोई संक्रमण कान में होता है तो टाइमली उसका ट्रीटमेंट कराएं आप, यही इस आईसी एक्टिविटी में जो पोस्टर हमने रिलीज किया। उसके बाद जो लोग ट्रेंड नहीं है, गाँव में झोला चापे जाके दिखा दिया और उन्हें कुछ भी दवाई दे दी, आपने लगा ली आप परमानेंटली बहरे हो गए, ये अवेयरनेस भी पैदा करना जरूरी है कि आप प्रॉपर आदमी के पास जाइए, ट्रेंड आदमी के पास जाइए। हमने जब